एवरीवन, माय नेम इज आयशा परवीन ऑफ एसकेवी सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली, सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड लाडली फाउंडेशन। मैं आज आपको एचआईवी एड्स के बारे में बताऊंगी। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनी डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी वायरस हवा, पानी या भोजन के द्वारा नहीं फैलता। एचआईवी वायरस एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति के साथ रहने, खाने पीने या उससे हाथ मिलाने से भी ये वायरस नहीं फैलता। तो ये वायरस खून के द्वारा फैलता है। अगर एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति का खून किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर डोनेट किया जाता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर एचआईवी वायरस प्रवेश हो जाता है। अब हम जानेंगे एड्स के बारे में। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो। एड्स भी एक प्रकार की बीमारी है जिसमें व्यक्ति के शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। पीड़ित व्यक्ति के अंदर निम्नलिखित बीमारियाँ होती हैं। पहली बीमारी नामोनिया, कैंसर और टीवी। और एचआईवी और एड्स के लक्षण, पीरियड्स में बदलाव, वजन घटना, जोड़ों में दर्द होना या घुटनों में दर्द होना, खांसी लंबे समय तक होना, सांस फूलना, ये सब बीमारियाँ होती हैं या ये सब लक्षण होते हैं। थैंक यू।